लीजिए साहब, बंदर भोज करते हुए ये देखिए, ये लकवा की शिकायत इनकी, और ये बोल भी नहीं पाता है और सुनता भी नहीं है। सुनता है, सुनता है, चल नहीं पावते। बाबा जी, हाँ नहीं, 10-20 है, आप तो लाइए, 20 से काम कर देंगे। नहीं, इनका कुछ बढ़िया मन की चीजें मंगा के दे दी, खिला बच्चा, उनको खिला देना, कितना खुश होगा। हाँ देखो कितना खुश हुआ, कितना खुश हुआ है। देव शुक्ला जी का थोड़ा बुद्धि का आशीर्वाद देव इनका, कि आप थोड़ा जिद न करें। आज ये बंदर मिले, देखिए चूंकि अंदर से आप गलत तो हैं नहीं, आप थोड़ा यहाँ से जिद्दी हैं, समझ गया। यहाँ आपका एक जो फ्यूज है थोड़ा गड़बड़ है, अब कि आप अंदर से सही हो। हे बताओ, इतने टाइम कहीं बंदर मिले आज? कभी नहीं मिले, और बिल्डर मिल गया। और ये देखिए, ये भगवान का एक स्वरूप मिला है, इनसे इनकी सेवा से बढ़ के कोई महात्मा है? नहीं। कोई शंकराचार्य है? नहीं। कोई नेता है? नहीं। अगर है तो सामने आओ। हम रास्ते में पोस्टर में देखा बसरामा में, 16 तारीख से बाबा जी बगला मुखी शत्रुनाश। अब बोलो है? अब उनका भी जनता के यही कह दे कि वो बगला मुखी के जूठे बगला पकड़ के लाओ, उनके मुंह में ठूंसो और कहो अगर तुम्हारे में बाबा दम है तो इसका रोक के देखाओ। ये बगला मुखी के बाप है, ऐसे पीड़ित ऐसे दुखी की। अब इधर से जब भी गुजरेंगे याद दिलाना, कुछ लेके आएंगे, इसको खिलाएंगे। इनकी सेवा से बढ़ करके कोई ना पूजा है, ना पाठ है, ना मंदिर, ना देवी, ना भवानी। ये अंधा समाज हमारी बात ना मनी है, और खूब राखी उखी लगाए हुई, जंजीर करे से बांधे कसे हुई। अरे कहीं ना, अरे देखो बाबा का, यहाँ देखो कैसा हड्डी टांगे है। ये हालत है अंधा समाज सदा, पढ़े लिखे अंधे और कैसा कही। ठीक है, अब जब भी आएंगे यहाँ पर इनको कुछ लेके आएंगे, है ना, इनकी सेवा कर दो। और इनको भैया कोई ज्यादा तकलीफ ना इसको होने पावे, इसकी हाँ इसकी सेवा से। अच्छा, टट्टी करा लेते हैं, समझा देते हैं। अच्छा अच्छा, अब अपने हाथ से सोच भी नहीं पावे? नहीं, हाथ पैर दोनों गड़बड़ है ना बाबा। अच्छा अच्छा, और ये बचपन से है? नहीं नहीं, अभी इतने बड़ा रहा हुआ है, तब से हुई। कब हुई बाबा? बुखार उखार आ गया है? हाँ, बुखार दिमाग में। अरे राम राम, अब हुआ वही झोला छाप डॉक्टर ही बैठे, वही लगे पोलियो उलियो लगा होते। हाँ। बड़ी दवा कराएं बाबा, बहुत पैसा लगा देना। पैसा यही तो मुश्किल है, लेकिन हाँ सब पैसा तो लेते हैं। और सरकार को चाहिए कि ऐसा अध्यादेश जारी करे कि आप अस्पताल जाइए, आप संतुष्ट हैं कि नहीं जाके कैमरे के आगे बोलिए, तब तो हम जानिए सरकार आए। कोई सरकार हो, आम आदमी की बात तो सुनी जाए। अब आम आदमी नाम है आम आदमी पार्टी, तो जो मैं कह रहा हूँ आप क्या काम कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। है? अब कहीं जाओ, कोई देहात में जाओ, बड़ा पैसा लगा दिन महाराज। अब बताओ, ये लोगों को पैसा लगाने की औकात है, हैसियत है, लेकिन मरता क्या ना करता, इसलिए कि इनको सुनवाई नहीं होती है। हर सरकारी अस्पताल में आम आदमी जाए, कोई भी जाए, इतनी बड़ी बेटी जाए, इसको लेके जाए और कैमरे के आगे बोले कि साहब यह दवा नहीं मिला, यह दिक्कत है, उसी समय एक्शन रिएक्शन। में दवा करावे जाए, सरकार में जाए तो वो 500 की दवा आई से बाहर से लिख के दिया था जी, क्योंकि अंदर से दवा नहीं मिलती तो बाहर के लिए जी, उसमें टैक्स। देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मालूम क्या होना चाहिए, कोई सरकार हो, एक उनके पास एम्बुलेंस हो, कैमरा लगा हो, कैमरा लगा हो, दरवाजे दरवाजे जाए, कई किलोमीटर गए वो सब उसमें लिखा पड़ी हो, और आप गए आपने किसको क्या दवा दिया, दवा का नाम बताइए, उसको मोबाइल में दिखाइए, ऐसे दवा देखो 500-500 की बाप रे बाप, धरती फट जाना चाहिए। स्वामी जी वो भगवान ने किया, आप कहाँ बताइए, हमारे बच्चन हम पकड़ पकड़ गटे ही दाब दे इनके, मार डाली इनका, कौन स्वामी, इससे बड़ा कोई, इससे बड़ा महात्मा है कोई, इसकी सेवा ही महात्मा है। अभी आपने बंदरों को देखा है, हनुमान जी की डायरेक्ट सेवा, ये कोई नहीं कर रहा,
वही खाली भगवान और देवी और देखिए बगला मुखी बड़े बड़े पोस्टर छपके हैं, उनको मालूम है कि लाखों आदमी फंस जाएगा इसी में। पैसा दियो तो बड़ा खुश हो जाए, को मजाक करी बड़ा खुश हो जाए। अच्छा जाना तो सब कुछ जानता है, कह नहीं पाता, कह नहीं पाता है, कहता है कि मजाक। अच्छा दीजिए, हम अपनी बेटी के तरफ से देंगे 10 रुपए इसको, है ना अंजलि। कोई दुकान है तो बिस्कुट गीता और अंजलि की तरफ। चलो इनका बिट्टी दे दीजिए, खुद लाग देते हैं। उसको देंगे बिटिया, उसको लग गए, उसके थोड़ा आगे रखे ना और थोड़ा मन खुश होगा। तो फिर लेके आए अपने अपनी बड़ी बेटी गीता की ओर से दे रहे हैं 10 और 10 रुपए अंजलि की ओर से दे रहे हैं। पार्ले बिस्कुट खाते हैं बाबा, 10 रुपए दे जी, हम पार्ले बिस्कुट लेते आते 5 रुपए। तो आगे है क्या किधर दुकान बिट्टी? ये दुकान है, ले तुम दे दे ए लाम लाम भैया, ए लका है भाई, है ना। हां यही तो भगवान नसीहत देते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों। सही बात, तो बेचारे का बुखार के बाद ऐसा हो गया। बड़ी इलाज भाई के हाथ में, आप जानते हैं सब वही झोला छाप, पहले ये लोग झोले छाप में जाएंगे। लखनऊ से भी ले गए ना, वो बहुत दवा करान, 1 महीना पड़ी रहन ना, डॉक्टर नहीं फायदा, दवाई नहीं सही करी। मैं डब्बा भर दी,